ब्लैक मिलर महिला के पति का झूठ, पत्नी की गुमशुदगी लिखाई, तलाक का आवेदन भी लगाया, दोनों झूठ पकड़ाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना द खबरदार न्यूज से। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इंदौर की पुलिस ने लसूड़िया में ब्लैक मिलर महिला के खिलाफ दर्ज केस में महिला के पति के खिलाफ भी डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपे हैं। हालांकि महिला का पति फिलहाल जेल में है। पीड़ित का आरोप है कि ब्लैक मिलर महिला का पति उसके साथ हर साजिश में शामिल रहा। उसने ही रेप का झूठा केस दर्ज कराया। इतना ही नहीं, उसने मामले में झूठी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई और पुलिस व कोर्ट को गुमराह किया। 4 अक्टूबर को पहुंचा थाने, 14 को कोर्ट में लगाया आवेदन। अजय राजपूत ने अपनी पत्नी को लेकर लसूड़िया थाने में 4 अक्टूबर 2022 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद वह सुनियोजित तरीके से 14 अक्टूबर को कुटुंब न्यायालय पहुंचा और यहां जनवरी 2020 से पत्नी से अलग रहने की बात करते हुए कोर्ट में तलाक का केस फाइल कर दिया। इसी बीच महिला ने 8 दिसंबर 2022 को राहुल के खिलाफ रेप का केस दर्ज करा दिया। जनवरी से अप्रैल तक अकाउंट में लिए रुपए। राहुल ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि ब्लैकमेलर महिला ने जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक उससे 3 लाख रुपए ब्लैकमेल करते हुए लिए, जिसमें रुपए अजय के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। इसके साथ ही दिलाई गई ज्वेलरी को लेकर भी पति ने कोई पूछताछ नहीं की। जून में केस दर्ज होने के बाद पति के साथी मिली। डिवोर्स का केस फाइल होने के बाद अजय राजपूत ने कोर्ट में 2 साल से अलग रहने की जानकारी दी। जब महिला पर 21 जून 2022 को केस दर्ज हुआ, तब फरारी के दौरान वह पति अजय के साथ ही रही। राहुल ने इस मामले में वीडियो रिकॉर्डिंग और कुछ फोटो पेन ड्राइव में पुलिस अफसर और थाने में सौंपे हैं, जिसे लेकर पुलिस ने जांच की बात कही गई है। हालांकि पीड़ित का आरोप है कि महिला को इस मामले में जमानत मिलते ही वह पति के साथ चली गई थी। 1 करोड़ का मकान हड़पने का था प्लान। राहुल के मुताबिक उस पर केस दर्ज कराने के पहले अलग रहने का कारण किसी भी तरह के आरोपों से बचना था। इसके साथ ही पीड़ित राहुल ने बताया कि दोनों मिलकर उसका धन लक्ष्मी नगर स्थित 1 करोड़ का मकान को हड़पना चाहते थे, जिसमें महिला ने राहुल को कहा था कि उसके पति ने उसे अलग कर दिया है, उसके रहने के लिए ठिकाना नहीं है, धन लक्ष्मी नगर की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे। इंदौर में ऑनलाइन कारोबारी का रेप और ब्लैक मेल के झूठे मामले में फंसाने वाली महिला को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने महिला पर लगे आरोपों को सही पाया और उसे जेल भेज दिया। 7 अप्रैल को कारोबारी ने महिला के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस ने महिला को धारा 384 के तहत आरोपी बनाया था। इसके बाद से ही महिला फरार चल रही थी। उसके इंदौर आते ही शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट के सामने पेश होने और पुलिस के पूछताछ करने के दौरान उसने महिला पुलिस अफसरों से कहा कि मुझे झूठा फंसाया गया है। उसने ब्लैकमेलिंग ना रेप का झूठा केस दर्ज कराया है। अफसरों ने 4 महीने तक मामले की जांच की और कोर्ट ने भी महिला पर पुलिस द्वारा लगाई गई धाराएं सही पाई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।